Hello dear student, we were discussing about the plasma membrane, and in previous video we have discussed about the introduction of plasma membrane and different function of plasma membrane, and after that we have also discussed about different models of plasma membrane proposed for the structure of plasma membrane. Then finally we have discussed about the fluid work mosaic model, which is accepted till now model, and explain all the characteristic of a membrane. Then we have discussed different compositions of plasma membrane, और उसमें हमने discuss किया था कि there is two part of all the membranes, that is the lipid and protein. और lipid में we have already discussed about the phospholipid, glycolipid and esterols. Today we are discussing about second part of second important part of membrane, that is known as protein. Protein, as you know, that it is made up of different type of amino acids. जब amino acids एक दूसरे से जुड़ करके proteins बनाते हैं, जिसको हम polypeptide chain के नाम से जानते हैं. ये polypeptide chains एक भी हो सकती है और दो भी हो सकती है, depending on structure of protein. इसके अलावा protein को समझने से पहले आप ये भी समझ लें उसकी alpha बीटा और बहुत सारे उसके क्या कहते हैं कि फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ होती है. तो एमिनो एसिड्स बनते हैं, देन उसके बाद में उनके बीच में बॉन्डिंग होती है और उनकी फोल्डिंग होने के बाद में वो फंक्शनल फॉर्म में आते हैं. तो जो मोजेक पार्ट ऑफ फ्लूड मोजेक, जिसे हम बोलते हैं ना फ्लूड मोजेक मॉडल ऑफ सिंगल न्यूक्लियोसाइट, तो इसमें जो मोजेक जो शब्द था वो एक्चुअली फॉर प्रोटीन था, और उसमें जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं मेम्ब्रेन्स में, उनको हम तीन कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं. एक तो पेरिफेरल प्रोटीन्स, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. पेरिफेरल मतलब मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ पाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दीज आर द पेरिफेरल पेरिफेरल प्रोटीन. ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन ड्रॉ कर रखी, इस मेम्ब्रेन के बाहर ही लगा हुआ है, ठीक है. देन उसके बाद में दूसरा है इंटीग्रल. जो इंटीग्रल प्रोटीन्स, ये सारे इंटीग्रल प्रोटीन है. देखिए इंटीग्रल मोनोटिपिक प्रोटीन क्या है, ये इंटीग्रल मोनोटिपिक प्रोटीन, इंटीग्रल सिंगल पास, मल्टी पास, मल्टी सब यूनिट्स प्रोटीन्स. तो ये अलग अलग प्रकार के इंटीग्रल प्रोटीन्स पाए जाते हैं. तो तीन प्रकार के प्रोटीन्स हैं, एक तो पेरिफेरल प्रोटीन्स, एक इंटीग्रल पार्ट प्रोटीन, और एक लिपिड एंकर्ड जो कोवेलेंटली अच्छे अटैच होता है, मतलब उससे अलग आप सेपरेट नहीं कर सकते. तो सबसे पहले पेरिफेरल प्रोटीन, जो पेरिफेरल प्रोटीन क्या है, नॉन कोवेलेंटली बाउंड होता है, जैसे आयनिक बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जुड़े हुए होते हैं, और इनको हम बहुत ही माइल्ड, अगर जैसे साल्ट कंसंट्रेशन से वाइप किया जाए मेम्ब्रेन को, तो इसको आसानी से इसको डिसोसिएशन किया जा सकता है या अलग किया जा सकता है. एग्जांपल है पेरिफेरल प्रोटीन के, स्पेक्ट्रिन एंड एकाइरिन ऑन आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स में जो स्पेक्ट्रिन और एकाइरिन जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं वो, ठीक है. और माइक्रोट्यूबुल्स जो एक्टिन, जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, उसमें जो माइक्रोट्यूबुल्स एंड एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स, दीज आर आल्सो एग्जांपल ऑफ पेरिफेरल प्रोटीन. देन इसके बाद में आता है इंटीग्रल प्रोटीन. तो जैसा यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन मोनोटॉपिक हो सकता है, वन साइड निकला हुआ. देन इसमें सिंगल पास प्रोटीन, मतलब एक जो प्रोटीन्स है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जो अंदर से और बाहर, मतलब साइटोप्लाज्म से आउटर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की तरफ से बाहर निकली हुई है.
मल्टीप्लास प्रोटीन है, एक सिंगल एमिनो एसिड से एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, लेकिन कि एक बाहर जा रही है यूनिट, देन उसके बाद में फिर वापस आ रही है, ये तो ये मल्टीप्लास प्रोटीन ये हो सकता है। देन उसके बाद में मल्टी सब यूनिट्स प्रोटीन, तो प्रोटीन अंदर बाहर आ रहा है लेकिन इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो मोर देन वन सब यूनिट या मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन इसमें इन्वॉल्व होती है। तो ये जनरली जो ट्रांस मेम्ब्रेन जो प्रोटीन होते हैं ये जनरली क्या काम करते हैं, ये पॉरिंस के रूप में काम करते हैं, किसी चैनल्स के रूप में ये काम करते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एक्वा पॉरिंस हैं जो वाटर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे हमने डिफरेंट टाइप के जो फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़े हैं उसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये पढ़ा कि ये एट ट्रांसपोर्टिंग सॉल्यूट्स और सेलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट सॉल्यूट्स फ्रॉम आउट में विद इन द सेल्स एंड इवन वन सेल टू अनदर सेल्स। तो जो सॉल्यूट्स जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो डिफरेंट टाइप के पैसेज के थ्रू होते हैं, और दीज ऑल आर पैसेज आर मेड अप फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो प्रोटीन्स चैनल्स के रूप में काम कर सकते हैं, इसके अलावा प्रोटीन इसमें सिग्नल ट्रांसडक्शन के रूप में भी काम में करते हैं। दिस इज आल्सो डायग्राम ऑफ फ्लूड मोजिक मॉडल, और इसमें भी आप देखिए कि इसमें ये इंटीग्रल प्रोटीन्स इसमें आप देख रहे हैं, ये सिंगल पास से इंटीग्रल प्रोटीन्स इसमें आपको ये नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और ये ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह ग्लाइको प्रोटीन्स वगैरह ये इसमें जुड़े हुए हैं। देन उसके बाद में लिपिड एंकर्ड प्रोटीन, जैसे पहले ये डायग्राम्स देखिएगा, ये लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स हैं जिसमें प्रोटीन जो है जो मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन में जो पाई जाती लिपिड है उससे कोवेलेंटली अटैच होता है, मतलब उससे हम सेपरेट नहीं कर सकते, जैसे ये ग्लाइकोप्रोटीन ये रहा, तो यहाँ पे ये प्रोटीन से कोवेलेंटली अटैच्ड है। तो लिपिड एंकर्ड प्रोटीन क्या है, दे आर बाउंड टू द मेम्ब्रेन सरफेस बाय लिपिड मॉलिक्यूल्स टू विच दे आर कोवेलेंटली अटैच्ड। ठीक है, ये दीज प्रोटीन एंकर टू मेम्ब्रेन इन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, ये आउटसाइड भी लगे हो सकते हैं और ये इनसाइड भी लगे हो सकते हैं। जब द लिपिड विच इन्वॉल्व इन इनसाइड प्रोटीन, देखिए इंट्रेक्शन इंक्लूड फैटी एसिड जिसमें मेरिस्टिक एसिड्स और पालमिटिक एसिड्स हैं, और प्रिनाइल ग्रुप में डेराइव फ्रॉम आइसोप्रिनाइल पाथवे फेरिनाइल एंड जिरेनाइल जिरेनाइल ग्रुप्स हैं। मैनी लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स अटैच टू एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड कोवेलेंटली अटैच टू द ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटाइडिल इनोसिटोल जीपीआई जिसे बोलते हैं, ए ग्लाइकोलिपिड फाउंड ऑन एक्सटर्नल साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझने वाली बात यह है कि जो लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स हैं वो इनसाइड भी हो सकते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म साइड से भी हो सकते हैं, और एक्स्ट्रा जो सेलुलर साइड है या सेल्स की जो बाहर की जो सरफेस है उससे भी ये अटैच्ड हो सकते हैं। थैंक यू, आपको प्लाजो मेम्ब्रेन के बारे में बहुत कुछ नॉलेज आपको मिल चुकी होगी, तो देन वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक इन नेक्स्ट टाइम, एंड आई एम आल्सो सेंडिंग यू द सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्लाजो मेम्ब्रेन विच विल हेल्प यू इन एग्जामिनेशन। थैंक यू।